मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में देश भर में सबसे अग्रणी है। राज्य की दलहन फसलों में खरीफ के मौसम में अरहर, मूंग, उड़द और रबी में चना, मटर, मसूर इत्यादि हैं। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के अंतर्गत दलहन उत्पादन और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। इसके लिए रबी के मौसम के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी और भरपूर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करना, प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए मिनी किट वितरण, फसल प्रदर्शन आयोजित करना। सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में किसानों का रुझान ग्रीष्मकालीन मूंग की ओर बढ़ा है। जैसे कि हरदा जिले के रहने वाले रामशंकर बरसों से गेहूं, चना और सोयाबीन उगाते आ रहे हैं। रबी फसल की कटाई के बाद इलाके के अन्य किसानों की तरह रामशंकर भी अगली खरीफ फसल की बुआई तक खेतों को खाली छोड़ दिया करते थे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र के किसानों को रबी और खरीफ की फसल के बीच ग्रीष्मकालीन मूंग उगाने का सुझाव दिया। दरअसल ग्रीष्मकालीन मूंग की कई किस्में कम समय में अच्छी पैदावार देती हैं और दो फसलों के बीच उगाने के लिए उपयुक्त हैं। मैंने मूंग की फसल जो बोई थी उसमें मेरा लागत आई थी 3 लाख रुपए और मुझे उसमें रुपए मिले हैं 14,60,000 रुपए। 2 महीने के अंदर 11,60,000 रुपए मुझे सिर्फ और सिर्फ गर्मी में मिले हैं। आज ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती विशेष रूप से मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही है और पिछले 5 वर्षों के दौरान उत्पादन 2,52,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 16,11,000 मीट्रिक टन हो गया है। खरीफ और रबी के साथ साथ साल की तीसरी फसल ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन कर आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर बढ़ रहे हैं राज्य के ये किसान।